तो आज बना रही हूँ मटर की चाट और टिक्की, दो चीज बनाऊंगी। मटर को मैंने भिगा के रख लिया था, 7-8 घंटा तो जगह भिगा के मैंने रख लिया था मटर को। चलिए हम बनाते हैं। तो मटर को 2-3 बार मैंने धो लिया हूँ और मटर को इसी कुकर में हम डाल देंगे। और इसमें मैं डालूंगी 1 कटा हुआ आलू। तो आलू को मैंने 4 टुकड़ा में कर लिया हूँ और 1 कटा हुआ प्याज को छोटा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा सा मोटा रखा, काट लिया हूँ। और 1 चम्मच मैंने छोटा स्पून में नमक और हल्दी, और 1 चुटकी मैंने इसमें डाली सोडा, खाने वाला जो कुकिंग सोडा होता है वो ऐड किया। और मैंने इसमें ऐड किया 1 ग्लास पानी। कुकिंग सोडा डालने से क्या होता है, जो मटर है ना जल्दी गल जाते हैं, थोड़ा सा कच्चापन नहीं रहता है। जब तक मटर बॉईल होगा तब तक यहाँ पे मसाला बना लेता हूँ। तो मसाला ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे, जीरा और सूखा मिर्ची को हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी गर्म तवा में। तो इसका जो डंठन है ना इसको निकाल देना है, तो मैंने निकाला नहीं था। तो ये थोड़ा सा खुशबू आने लगी तो फिर हम निकाल लेंगे एक दूसरा बर्तन में। तो यहाँ पे मैं मिक्सी का जार में तुरन में डाल दूंगी और ठंडा होने के लिए, तो ये जल्दी ठंडा हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी, तो पीसूँगी मैं दद्दरा सा पीसना है। तो मैंने ये पीस लिया हूँ, तो आप लोग को दिखाती हूँ कैसे पीसा हूँ। ये देखिए मैंने दद्दरा सा पीसा हूँ। तो एक कटरी में मैं निकल के रख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इमली का पानी को मैंने भिगाया, तो 10 मिनट हो गए इमली का पानी को मैं भिगा के रख दिया था। तो इमली का अंदर जो बीज है ना, तो बीज को हम निकाल देंगे। आप देखेंगे इसके अंदर और बीज तो नहीं है, तो ये देखिए बीज है ना, बीज निकाल देना ज़रूरी है। तो मैं और ढूंढ रहा हूँ बीज है कि नहीं। तो बीज निकाल देने की बात है, इसी मिक्सी की जार में इमली का पानी को और इमली को दोनों को हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के मैंने इसको छन्नी में छान लिया हूँ। और जो इमली जो है ना, इमली का छिलका वगैरह जो रह जाएगा तो छन्नी में अच्छे से छान भी जाएगा, और बाकी चीज़ मैं फेंक दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके उंगली की सहारा से मैंने छान रहा हूँ और ये चीज़ मैंने फेंक दिया। अब हम गैस में रख देंगे इसको पकने के लिए। और इमली ये बना रही हूँ मैं मीठी वाला बना रही हूँ, मीठी थोड़ी सी खट्टी रहेगा और थोड़ी सी तीखी रहेगा, ऐसे मीठी की इमली की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गुड़ ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड किया और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ऐड किया। तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इमली का मीठा चटनी, तो कोई टिक्की बनाते हैं ना तो ये तो ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये थोड़ा सा पतला है, मैं बिल्कुल लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ। जब तक इमली की चटनी बनेगा तब तक यहाँ पे मैं धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खट्टा मीठा वाला नमकीन ऐड किया और थोड़ी सी मैं नींबू इसमें निचोड़ूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसकी बना लेंगे चटनी। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया और इसकी बनाया मैंने चटनी। ये चटनी बनके मेरा रेडी हो गई है। एक बर्तन में निकाल देता हूँ, निकालने के बाद इसको साइड कर देता हूँ। अब ये दोनों चीज़ मैं तैयार करके रख दिया हूँ और ये इमली का चटनी भी बनके रेडी हो गई। और ये थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा इसमें मैंने सफ़ेद वाला तिल यूज किया। आप हो सके तो आपकी मर्जी, चाहते तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो स्किप करिएगा। तो ये ठंडा करने के लिए मैंने दूसरा बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला काट लेंगे। तो प्याज काटूँगी मैंने 1 और 2 हरी मिर्ची। तो प्याज हरी मिर्ची बिल्कुल छोटा छोटा पीस काट लेंगे हम, और इसके साथ मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के रख दूंगी, बाद में काम आएगा जो टिक्की में डालने के लिए और थोड़ा सा ऊपर छिड़कने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हरा धनिया और ग्रीन चिली और 1 प्याज मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक मैंने यहाँ पे काट लिया हूँ। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ और हमारी जो
टमाटर की जो मसाला तैयार करने के लिए मैंने कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, बस टमाटर और इस पर मैंने हरा मिर्ची डालूंगी और थोड़ी सी मैंने अदरक और एक हरी मिर्ची डाल के पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारी होगी मटर की मसाला। तो मटर हमारी बन गई कि ना देखता हूँ। तो मटर बॉयल हो गई तो पानी थोड़ा सा सूख गई है और ये मसाला भी मैंने पीस लिया हूँ, आप तड़का लगाते। तो मटर में आलू और पानी बिल्कुल भी सूख गई है, लेकिन थोड़ा सा तो पानी बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 चम्मच ऑयल, तो हरा धनिया, थोड़ी सी जीरा डाल के और टमाटर वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे। और इसमें मैंने सूखा जो हमारी किचन में मसाला होता है वो ऐड करूँगी, गर्म मसाला, धनिया, नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला डालोगे तो और अच्छा लगेगा। सारे चीज़ डाल के अच्छे से मसाला को भून लेंगे, जब तक मसाला के अंदर से पानी सूख के ऑयल ना आ जाए। मसाला हमारे भून गई है और मैंने मटर की सब्जी डाल के ऐसे हम चला देंगे। तो हमको गाढ़ी रखना है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखना, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखना है। तो ये हमारी बन के रेडी हो गई है। तो मैं दूसरा बर्तन में मैं रख देता हूँ। अब मैं बना रही हूँ टिक्की। टिक्की के लिए मैंने बॉयल कर लिया 3 आलू। 3 आलू को मैश कर लेंगे और इसमें मैं आरा रूट और चावल का पाउडर, 2 चम्मच चावल का पाउडर और 1 चम्मच में आरा रूट यूज किया। आप हो सके तो इसमें मैदा भी डाल सकते हो। और इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, धनिया और थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें यूज किया सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत अच्छा टेस्ट आता है टिक्की में, तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाली हूँ। बहुत अच्छा, मतलब क्या बताऊँ, आप लोग एक बार बना के ट्राई करिएगा। तो शाम को ना छोटी मोटी भूख लग जाता है चटपटी सी खाने के लिए, तो मन करता क्या खाए। तो मैंने आज सोचा, मैंने आज मटर की चाट और टिक्की बना के क्यों ना आप लोग को साथ शेयर करूँ। तो मार्केट में जाते हो तो अपना पसंद की तो बना के नहीं देता है, उन लोग उनका पसंद की बना के मसाला कम ज़्यादा बना के देते। तो हम अपना पसंद की चीज़ें डाल के घर पे अच्छे से बना के हेल्दी बना के हम खा सकते हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया घर पे बनाते। तो टिक्की मेरा फ्राई हो गया है। टिक्की को मैंने लाइट फ्राई किया, आप हो सके तो डीप फ्राई करके भी आप खा सकते हो। तो थोड़ा सा तेल में और 2 मिनट पका लीजिए तो डीप फ्राई हो जाएगा। तो मैंने हल्का सा फ्राई किया क्योंकि हमारे घर में ऐसे लाइट फ्राई पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो उसी हिसाब से मैंने बना रही हूँ। और आपको थोड़ा सा डीप फ्राई पसंद है तो आप डीप फ्राई करके भी खा सकते हो। तो आज मुझे कंजूसी नहीं करना है, सारे चीज़ मैंने ज़्यादा ज़्यादा भर भर के मैं बना रही हूँ। जब मैं बचपन में ठेली में खाया करती हूँ ना, तो मटर चाट देते, टिक्की तो नहीं देते, लेकिन आज मैं मटर की चाट के साथ और टिक्की भी शेयर कर रही हूँ। तो मटर चाट और टिक्की ये भी बहुत अच्छी लगता है खाने में, बहुत टेस्टी और चटपटा से भी बनता है। तो इसके ऊपर मैंने 2 टिक्की रख दूँगी। आज मुझे कंजूसी नहीं करना है, मैं भर भर के इसमें चीज़ें डालूंगी, जैसे मार्केट जैसा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट में थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल के दे देता है, दोबारा मांगते तो नहीं देता है। तो जब दोबारा हम मांगते ना जो नहीं देता है ना, तो हमको ना बहुत बुरा लगता है, अरे भैया थोड़ा सा और डाल दीजिए ना, थोड़ा सा खट्टा और डाल दीजिए, थोड़ा सा मिर्ची बा थोड़ा सा मसाला और डाल दीजिए, तो देते नहीं थे। तो आज तो हर चीज़ मैं इसमें भर भर के ही डालूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो इमली का जो बनाया था खट्टा मीठा वाला, वो ऐड करूंगी और मैंने दोनों प्लेट में मैं डालूंगी इसमें। और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं किया, अब हो सके तो इसमें दही भी डाल सकते हो और खीरा भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिंपल तरीके से मैंने बनाया आज ये वाला रेसिपी। तो ये मटर टिक्की का चाट किन किन को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा मन करता है मैं 2-2 प्लेट खा जाऊं, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। मैं मन करता है मैं ये हफ्ता में 2-3 बार तो बस खाते रहूं, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़।
और इसमें सारे चीज़ हम डालते जाएंगे। तो मैं सिंपल तरीके से चीज़ें यूज कर रहा हूँ। अब हो सके तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हो, खीरा भी ऐड कर सकते हो, मूली भी ऐड कर सकते हो। तो आपको जो चीज़ पसंद है इसमें डाल के आप खा सकते हो और बना भी सकते हो। तो इसमें मैंने सिंपल तरीके से ये बनाया, मैंने इसमें बस ऐड किया प्याज। जिनको प्याज नहीं पसंद है तो उन्होंने ये चीज़ डाल के बना सकते हो। तो इसमें मैंने गुजिया की जैसे झूरी आता है ना, तो उसकी जगह में मैंने यहाँ पे खट्टा मीठा वाला जो नमकीन मैंने इसमें यूज किया। और इसमें थोड़ा सा मैंने और जो मसाला मैंने पीसा था जो धनिया और मिर्ची का वो ऐड किया। और अब हो सके तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने दही ऐड नहीं किया। और मुझसे एक चीज़ गलती हो गया, मैंने वो जो खट्टा पानी होता है ना तो इमली का, तो वो मैंने नहीं डाला इसमें। तो आप हो सके तो इसमें डाल सकते हो। तो ये वाला वीडियो मेरा कैसे लगा कमेंट या लाइक ज़रूर करके बताना। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो शेयर लाइक ज़रूर करना। तो नेक्स्ट मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।